अफरीदी भैया क्या देख रहे हो, बड़ी देर के बाद भूतनी के पाकिस्तान में आए, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगे, भगा भगा के मारा। अब भैया डंडा मारो, ये शताब खान के पिछवाड़े पे और बाबर के सर पे मारो, भूतनी का कुर्सी पे बैठ गया। अरे शेख जाजू यार शर्म कर, बाकियों को भी मार ले, मेरे हाथ लाल पीले कर दिए मार मार के। अबे भूतनी के कुछ तो शर्म कर, तेरे दादाजी की उम्र का हूँ भैया, कुछ उम्र का लिहाज कर ले। अब नहीं हमसे बढ़िया खेला गया तो हम क्या करें, हमने तो जीतने के लिए खेला था। अरे चाचू भूतनी की अकल से पैदल हाथ नीचे कर ले, डंडा नीचे वालों के सर में लगेगा, सुमान खान का बीच में सर फूटेगा और इसका कान जाएगा। और भैया हमको जरा बोलने का तो मौका दो भैया, हम अगर शुरू हो गए ससुर जी। अरे शायन भूतनी की कितनी बार बोला है कि मेरे को ससुर जी नहीं बोला कर। अबे भूतनी की मेरी किस्मत खराब थी, जो भूतनी की तेरे को बेटी का दे दिया, इज्जत का कचरा कर दिया। चलो अब जल्दी से पको भूतनी वालों, क्या कारण था क्यों हरे, लेकिन बच्चों के नहीं डंडे खाने से। शायद भैया पहले हमारी बात सुन लो, फिर डंडे मारने का शौक पूरा कर लेना। हमारे गले में देख लो, दो दो तीन तीन तावीज हमने लटकाए कि हमारी फॉर्म वापस आ जाए, अब नहीं आई हम हार गए। वैसे यार जब आप खेलते थे कितने विश्व कप जीत के लाए, जरा बताना ना यार। अरे बस कर भूतनी की शताब खान भैया, पहला T20 जब हुआ हम फाइनल में गए, बदकिस्मत से हार गए, लेकिन दूसरा विश्व कप हमने जीता था, हम ही खेले थे। भूतनी की आंखें फाड़ के देख रखा ससुर का नाती, हमको बातें सुना रहा है भूतनी का। शताब भूतनी की शर्म कर, जो हाल तुम लोगों ने टीम का किया है ना, ये कभी नहीं हुआ। भूतनी की यूएस से हार गए, तीन मैच हार के देश वापस आना था, कोई भूतनी का इंग्लैंड घूम रहा है, कोई भैया उधर रुका है, शर्म ही नहीं आती। अब आयो ना भूतनी वालों, आ गए ना हमारे हाथ, अब बताओ। अरे शेफ ताऊ जी जाने दो रहने दे भूतनी की शर्म कर। 2007 में ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, इससे भी गंदा हाल हुआ था, और सदमे में तुम्हारा कोच वो गुलमर भूतनी वालों मर गया था तुम्हारी वजह से। शर्म करो, हम तो फिर भी T20 में हारे। हाँ अमर भैया ये भूतनी के कातल है, कातल वो गुलमर के भूतनी वालों, शर्म करो हम पर भैया, लठ गार के खड़े हो गए ससुरी वालों, पहले अपना देखो, हम तो फिर भी बढ़िया क्या, और रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे काफी देर के बाद इसलिए। अरे बस कर भूतनी की, वो भैया सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, हमको देखो अभी तक सीना ठान के खड़े हैं, उसमें भैया हमारा क्या दोष है भैया, हमारे तरह जिगर रखता, पता नहीं क्या खा के पल्ला था, एक ही सदमे से भैया चल बसा, हमने थोड़ी मारा। लेकिन तुम भूतनी वालों हमारे हाथों से नहीं बचोगे, भूतनी वालों वो गुलमर था, मरा तो हेडलाइन बन गया तुम्हारी वजह से। भूतनी वालों पता नहीं कितने दिल टूटे, कितने लोग मर गए, कितने ने खुदकशी कर ली, भूतनी वालों जरा सोचा, अब तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। शायद भैया सबर करो यार, खामखा क्यों हमको मारने पे तुले हुए, पहली बार ऐसा थोड़ी हुआ यार इस विश्व कप में, हमारे से तो बुरा हाल न्यूजीलैंड का हुआ, श्रीलंका का हुआ, तुम खामखा हमारे पीछे पड़ गए यार, जरा तुम भी सोचो तुमने क्या किया है। अरे यार मेरी तो बात सुनो, मैंने तो बहुत बढ़िया खेला, बढ़िया गेंदबाजी की, इंडिया के खिलाफ जिताने की भी कोशिश की, लेकिन ये क्या बाबर कुर्सी पे बैठ गया, पैंट पहन गया, और रजवान पूरे कपड़े, हर स्वरूप ने भी पैंट पहन ली, जिसने गंद किया यार, हमको चड्डी सही तरीके से नहीं पहनने दिया यार। हाँ नसीम भैया मेरे को तो मैच भी पूरे नहीं खिलाए, फिर भी भूतनी वाले भैया पता नहीं कहाँ से सोते हुए को उठा के ले आए, बथेरा बोला हमने, बहुत बोला यार कपड़े पहनने दो, भूतनी वालों ने चड्डी चिपका दी, बस ले आई यार, शर्म करो यार, शुक्र करो तुमको चड्डी चिपका दी, हमको देखो कुछ भी नहीं चिपकाने दिया, ये रास्ते से गेंद मिली वही सामने रखे भैया, गुजारा चला रहे शेप चाचू, डंडा नीचे नहीं आना चाहिए, और चाचू कर भैया हाथ नहीं उठाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इधर। हाँ शेप चाचू इसको नहीं छेड़ना, भूतनी का सचमुच कुछ भी नहीं पहना, केवल गेंद आगे रखे गुजारा चला रहे, थोड़ा सा डंडा टच हुआ तो दर्द के मारे हाथ उठ जाएगा, नीचे वो फिल्म शुरू हो जाएगी। वैसे उस्मान भैया थोड़ा हाथ उठा हमको देखने दे, नीचे कुछ है भी या नहीं। वैसे भूतनी वालों किसने बोला था मजे से नंगे होके सो, ऐसे तो भैया जीत कर भी लोग नहीं सोते, तुम भैया मजे ले लेके सो रहे थे, अब मजा आया, हमको देखो फुल कपड़ा पहन के सोआ था, लेकिन भूतनी वाले कमीज फिर भी मेरी खा गए। अरे बस करो हम भी फुल कपड़ा पहन के सोता हूँ, क्योंकि हम भैया 5 वक्त का नमाजी हूँ, वैसे भी यार हमने विश्व कप में बहुत कुछ किया, इसलिए हमको इज्जत मिला, ऐसे ही लाके खड़ा कर दिया, अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी कुछ किया होता तो विश्व कप जीत के जश्न मनाना था। अरे बस करो ससुर के नाते, हमको जो जिस हाल में मिला लाके खड़ा कर दिया, किसी का कोई लिहाज नहीं किया, क्योंकि तुम सब ने क्रिकेट में गंद मारा, किसी ने कुछ नहीं किया, और बाबर तू कैप्टन हो गया भूतनी के, अभी तक चुप करके बैठा है, वो भी कुर्सी पे, तेरे नीचे से कुर्सी किसका हो गया।
शायद भैया रहने दे, कुर्सी की वजह से हमारी इज्जत बची हुई है। पता चल रहा है टीम का कैप्टन बैठा है, वो भी कमीज उतार के, कमीज इसलिए उतारा गर्मी लग रही है। ठीक है, हम बहुत बढ़िया खेले, कोई साथ नहीं दिया, नहीं तो विश्व कप तो हमारा ही था, पहले दिन ही बोला था। अरे बस कर बाबर, भूतनी के इतनी देर के बाद बोला भी, केवल अपना बता रहा मैंने, ये क्या इनका कौन बताएगा, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भूतनी के तू टीम का कैप्टन था, शायद भैया क्या देख रहा है, मार छुटा कुर्सी को नीचे करा और इसको अच्छी तरह धुलाई कर। अरे शेप चाचू बस कर यार, हमारे पीछे पड़ गए यार, वैसे हम 15 प्लेयर गए थे, ये 12 को खड़ा कर दिया, बाकी 2-3 कहां है उनको भी ले गया। वो फकर जमान भैया बहुत बड़ा अपने आप को तीसमार खान समझता, वो नजर नहीं आ रहा, उसको तो ले गया। अरे चाचू भूतनी के हम इधर खड़े हैं, जा भूतनी की तरह सत्यानाश हो, हमको भी इन्होंने खड़ा किया था लेकिन कैमरे के सामने नहीं थे, लेकिन तुम्हारे भैया चुल मची, अब हमको भी ले आए कैमरे के सामने, आ गया मजा, भूतनी के ये खड़े हैं हम। अरे फकर भैया आप तो आए लेकिन हमको भी ले आए, लेकिन शायद और फरीदी चाचू हमको ये बताओ, हमको किस जुर्म की सजा दे रहे हो, हमको तो इन ससुर के नाते ने एक मैच भी नहीं खिलाया लेकिन नंगा करके इनके साथ खड़ा कर दिया, यार शर्म करो। अरे बड़ा भूतनी के, तेरे को किधर खिलाते, किधर मौका देते, केवल 3 मैच के लिए मुंह लटका के बाहर हो गए। वैसे जब आग लगती है भैया सूखे के साथ गीला भी जल जाता है, समझने की कोशिश कर। वैसे हम कौन सा खेले भैया, बस भुगत रहे क्योंकि 15 प्लेयरों में थे इसलिए। अब बस फरीदी भैया इतनी जल्दी भूल गए यार, आप अंतिम मैच खेले थे, मैं पहला मैच खेला था, बस फरीदी और शेप चाचू इन्होंने यही गलती की, मेरे को पूरे मैच खिलाते, बस फरीदी को शुरू से लेके खिलाते, आज विश्व कप हमने जीत के आना था, अब इनको मारो हमको छोड़ो। अरे बस कर ससुर की नाती, ऐसे कैसे छोड़ दे, अब तो भैया सबको बोलने का मौका दे दिया, सबने बोल लिया लेकिन किसी ने बढ़िया नहीं बोला, सब भैया झूठ मूठ और बहाने ठोक रहे। शे भैया शुरू हो जाए इधर से, हम भी डंडे को तेल लगा चुके, शुरू हो। फरीदी चाचू आपको चाचू नहीं बल्कि छोटा भाई बोलता हूँ यार, इस बार माफी दे दो, आगे से भैया सब जीतेंगे, चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे, 26 वाला विश्व कप जीतेंगे, और जब तक खेलेंगे भैया सारे विश्व कप जीत के लाएंगे, ये हमारा आपसे वायदा, इस बार जाने दो बस। अरे बस करता हूँ भूतनी के, और कितना खेलेगा, बुढ़े तो बुढ़ा हो गया, ये तेरा अंतिम विश्व कप था, मार खाने के लिए तैयार हो बाबर बेटा, सबको उल्टा लेटा और खुद भी उल्टा लेट जा, ये पैंट निकाल दे भूतनी के, फरीदी भैया शुरू हो जा। शेब और फरीदी चाचू नंगा करके इतना जलील कर लिया, इतना बेइज्जती कर लिया, बहुत हो गया। वैसे चाचू इफ्तिकार ने सबके बारे में बोला है, जब तक खेलेंगे जीतेंगे, हम वायदा करते हैं अगली बार जीत के आपको थोपड़ा दिखाएंगे, जब तक जीतेंगे नहीं थोपड़ा नहीं दिखाएंगे। शेप चाचू क्या ख्याल है, जाने दे, वैसे बेइज्जती इनकी बहुत हो गई है, वैसे भी भूतनी के भैया हार गए तो थोपड़ा नहीं दिखाएंगे, मुझे लगता है फिर इनका थोपड़ा कभी देखने को मिलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता ये कभी अपनी जिंदगी में जीत के आएंगे। हाँ फरीदी भाई साहब बस बहुत हो गया, जाने देते, अब भूतनी की शर्म करेंगे, जीत आएंगे थोपड़ा दिखाएंगे, अगर ना जीत सके तो थोपड़ा कैसे नहीं दिखाएंगे, इस बार कौन सा दिखा रहे थे, आ ही नहीं रहे थे देश वापस, कुछ छुप के बैठे थे, कैसे ढूंढा, अगली बार भी ढूंढ लेंगे। हाँ शेप चाचू कुछ नहीं, सारे भूतनी के छुप के बैठे थे, ढूंढ ढूंढ के मैंने तेरे को दिए पकड़ के रख, सबको मैंने ढूंढ के लाया, लेकिन भूतनी वालों अगली बार नहीं छोड़ेंगे, सीधा डंडे मारेंगे, कोई बात नहीं सुनेंगे, बोलने तक मौका नहीं देंगे, मुंह बांध के मारेंगे। अफरीदी भाई साहब अपना मुंह बांधोगे या हमारा मुंह बांध के मारोगे? अबे चाचू भूतनी की शर्म कर, भूतनी की बड़ी मुश्किल से जान छूट रही थी, अबे यार गुस्सा नहीं करना अफरीदी और शेब चाचू, इस भूतनी का अंतिम विश्व कप था इसलिए भैया ये इसलिए चुल छोड़ रहा है, यार जाने दो हमको, माफ करो इसको, भले 2-4 लगा दो। ये ले बाबर भैया 2-4 लगाते हैं, हैं क्यों वे बुड्ढे, आया मजा भूतनी के, हमका तेरे को चुल मची हुई थी, तेरा अंतिम विश्व कप था, अब डंडे पड़ गए, अब तेरे को सुकून मिल जाएगा भाई। ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।